Hi friends and welcome back to my channel. So in this video I am going to show you how can you change your brake shoe of Honda Shine or any bike. So let's start the video. So इसके अंदर ब्रेक शू होता है, तो इसमें से आवाज़ आ रहा है, तो इसके लिए इसका ये जो नीचे का नट है एंकर नट, और ये ब्रेक की स्प्रिंग और एक्सल नट, ये तीन नट खोलने पड़ेंगे। तो सबसे पहले ब्रेक का नट खोलना है। तो हमने टायर खोल दिया है और आपका जो ब्रेक शू है वो इसके अंदर रहता है, आप देख सकते हैं। ये हमारा पुराना ब्रेक शू है जिसका ये ब्रेक लाइनर है ना, वो पूरा घिस चुका है। सो हमने अभी नया ब्रेक शू लिया है, ये होंडा का है ओरिजिनल। तो इसका प्राइस देख सकते हैं, 233 रुपीज़ है। सो सब जगह यही प्राइस होगा आपके लिए। तो ब्रांडेड ही यूज़ करें, नहीं तो आपका जो ये ड्रम है ना ये ख़राब हो सकता है। तो ये जो ब्रेक लाइनर है ना वो आपका ऐसे खींच के निकालना पड़ता है, थोड़ा टेंशन देके, तो ये आपके हाथ में आ जाता है। तो ये है आपका पुराना ब्रेक लाइनर और ये हमने नया लिया हुआ है। तो हम पहले पुराना वाला साफ करके लेते हैं। ये आप किसी भी चीज से साफ कर सकते हैं, मैं थिनर से कर रहा हूं। तो ये जो आपका ड्रम है ये भी आपको साफ करना पड़ता है, इसकी मिट्टी बाद में आपके ड्रम को स्क्रैच कर सकती है और ये खराब हो सकता है। बोल तो। पहले हमें थोड़ा सा ग्रीस लगा के लेना है, थोड़ा सा ही लगाओ, ज्यादा लगाए तो आपका ब्रेक स्लिप हो सकता है। उस पर थोड़ा सा ग्रीस लगाओ, बस इतना काफी है। अभी आप अपना ब्रेक ऐसे स्ट्रेच करो, थोड़ा प्रेशर लग सकता है क्योंकि नया ब्रेक शू। A few moments later. So, हमने नया ब्रेक शू इंस्टॉल कर दिया है, आप चेक कर सकते हैं, इधर हमने क्रीज लगाया है इधर और इधर। आप ये रबर लगा के लो और फिर टायर इंस्टॉल करो गाड़ी में। तो आप देख सकते हैं कि ये ब्रेक लग चुका है, अभी टायर भी सब लगा दिया है। सो मैं आपको चेक करके बताता हूँ। टायर एकदम फ्री है अभी। Guys, as you have seen, I fixed my brakes of Honda CB Shine. So if you want to watch some more videos like this, so please subscribe to my channel and press the bell icon and also like, share and comment.